दोस्तों, भगवान गणेश को विघ्नहर्ता कहा जाता है क्योंकि हमारे जिंदगी में जितनी भी संकटें विघ्न बाधाएं आती है उनको दूर करने के लिए भगवान गणेश की उपासना, उनका ध्यान, उनका मंत्र जपने के अलावा और कोई चारा नहीं है। बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं जो भगवान गणेश जी के जो उपाय मैं बताने जा रहा हूँ। भगवान गणेश को बुद्धि का देवता इसीलिए कहा जाता है, बुद्धि इनके पास, चतुराई इनके पास, ये सारी चीज़ें इनके पास होती है। इसीलिए जितने भी हम धार्मिक आयोजन हिंदू संस्कृति में जितने भी पर्व, जितने भी त्यौहार, जितने भी आयोजन किया जाता है, भगवान गणेश की पूजा आराधना सर्वप्रथम की जाती है। शास्त्रों में एक प्रसंग आता है जहाँ पर भगवान शिव शंकर जी और माता पार्वती अपने दोनों बच्चों कार्तिकेय और गणेश जी की परीक्षा करना चाहते हैं कि दोनों में कौन सबसे ज़्यादा बुद्धिमान है। तो उन दोनों को कार्तिकेय, भगवान कार्तिकेय और भगवान गणेश जी को बुलाकर माता पार्वती और भगवान शंकर जी कहते हैं कि आप लोग जो ब्रह्मांड की चक्कर लगाकर आना है, जो सर्वप्रथम भगवान ये ब्रह्मांड का चक्कर लगाकर आएगा वो सबसे संसार का बुद्धिमान कहलाएगा। ठीक है, तो इसके बाद दोनों अपने अपने सवारी पे निकल जाते हैं। कार्तिकेय भी पूरा संसार, पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगाने के लिए निकल जाते हैं, लेकिन भगवान गणेश जी संसार का चक्कर या ब्रह्मांड का चक्कर लगाने के लिए नहीं निकलते, बल्कि वो अपने माता पिता यानी भगवान शंकर जी और माता पार्वती को अपने सामने में बिठाते हैं और उनके कुछ चक्कर लगाकर वापस उनको प्रणाम करते हैं। और तो इस प्रकार करने से जब पूछा जाता है, भगवान शंकर जी पूछते हैं कि आप क्यों नहीं जा रहे हैं ब्रह्मांड का चक्कर लगाने, तो भगवान गणेश जी कहते हैं कि मेरे लिए तो मेरे माता पिता ही साक्षात ब्रह्मांड है, उनकी चक्कर मैंने लगा लिया। इसी कथा, इसी प्रसंग की बदौलत उनको सबसे बुद्धिमान देवता भगवान कहा जाता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं भगवान गणेश जी से संबंधित एक ऐसे उपाय के बारे में बताने जा रहा हूँ जिस उपाय को आप कर लेते हैं तो आपका दुर्भाग्य, धन की कमी, बुध ग्रह का जो कुपित बुध ग्रह है, केतु का कोप है, उससे आप बच सकते हैं। और इससे ये होगा कि आपकी दुर्भाग्य जो आपके पीछे पड़ी हुई है, दुश्मन जो आपके पीछे पड़े हुए हैं, बदकिस्मती जो आपके पीछे लगी हुई है, आपका साथ नहीं छोड़ रही है, जिसकी वजह से आपके जीवन में परेशानियां ही परेशानियां सभी तरफ नजर आता है, वो सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं इस उपाय को करने से। दोस्तों, कहा जाता है कि जो चूहा होता है वो भगवान, या मूषक जिसको बोलते हैं, वो भगवान गणेश जी का वाहन होता है। तो आपको इस वीडियो में मैं इसी उपाय को बताने जा रहा हूँ। जानना चाहते हैं इस खास जानकारी, खास उपाय के बारे में, तो आप मेरे इस वीडियो पे बने रहें। साथ में चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ में जो बेल आइकन को दबाने के बाद जो ऑल का ऑप्शन आता है उसको भी दबा दें। दोस्तों, आपको करना क्या है ये समझ लीजिए। आपको अपने घर के आसपास या अपने घर में या कहीं पर भी जो चूहों का जो बिल होता है उनको आपको ढूंढना है। यदि आपको वो बिल मिल जाते हैं तो उसी चूहे की जो बिल की मिट्टी है उसको आपको ला के अपने घर में कहीं पर रख दें और उसमें एक लड्डू भी रख दें। इससे ये होगा कि जब भी घर में जो भी चूहे आते हैं वो लड्डू के लालच में वहाँ पर आएंगे, लड्डू भी खाएंगे और साथ ही वहाँ पर मिट्टी का कनेक्शन, मिट्टी भी उनके पैरों में, उनकी बॉडी से, चूहे के बॉडी से संबंध स्थापित करेगा, वहाँ पे मतलब टच करेगा उनकी बॉडी से। इस तरीके से अब करना क्या है, इसी जो जो मिट्टी है, ये मिट्टी जो है, चूंकि भगवान गणेश के लिए मूषक बहुत प्रिय होते हैं, उनका प्रिय वाहन होता है, इसीलिए जो मिट्टी है वो बहुत पवित्र हो जाती है। और ऐसा भी कोई काम नहीं कि जो भगवान गणेश मूषक के उपाय करने से नहीं करेंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, इसी मिट्टी को आपको लाना है। इसी मिट्टी को लाकर, इसी मिट्टी को थोड़ा गीला करके अपने घर के बाहर आप शुभ लाभ लिखें और साथ में स्वास्तिक का निशान लगाएं। इसी मिट्टी को आप अपने घर की जो तिजोरी है, जहाँ पे आप पैसे रखते हैं, जेवरात रखते हैं, वहाँ पर इस मिट्टी को एक छोटे से कागज़ में
चिपटी पुड़िया बनाकर वहां पर रख दें। आप देखेंगे कि आपके घर में बरकत आने लगी है। बहुत कम मेहनत से बहुत ज़्यादा रुपये पैसे और धन आपकी ओर अग्रसर होने लगे हैं, आपके घर की तरफ आने लगे हैं और आप दिन दुनी रात चौगुनी उन्नति करने लगे हैं इस उपाय को करने से। साथ ही यदि आपको कोई शारीरिक परेशानियाँ, जैसे बहुत लोगों को शारीरिक परेशानी आती है कि लोग अपने घर में ही डरने लगते हैं, या बुध का जो प्रकोप होता है, बुध ग्रह का जो कोप होता है, या केतु का कोप होता है, जिसकी वजह से व्यक्ति कुछ भी काम में हाथ डालता है, कुछ भी कार्य में हाथ डालता है, तो कुछ भी धंधे में हाथ डालता है, तो उसको असफलता ही हाथ लगती है और वो अपना भला करना चाहता है लेकिन उसको अपना ही नुकसान कर बैठता है। ऐसी स्थिति में ये आदमी अपने घर में रहता है, उनको डरा डरा सा लगता है, दिल धक धक करता है, इस तरीके से परेशानियां आती है, तो व्यक्ति को एक काम करना चाहिए। ये खास उपाय मैं आपको बता रहा हूँ। वही जो मिट्टी आप वहाँ पे, जो आप उपाय मैंने बताए हैं अभी, उसी मिट्टी को आपको एक ताबीज़ लेनी है। ताबीज़ के अंदर इसी मिट्टी को आपको डाल देनी है और ताबीज़ में भरकर मोमबत्ती से उसको पूरा ब्लॉक कर देना है। दरवाजे जो दूसरे तरफ के दरवाजे तो होते हैं ताबीज़ के, उसको बंद कर देनी है और उसको आपको पहनना है। ऐसा करने से आपके जो बुध की जो कोप ग्रह है, बुध ग्रह की कोप स्थिति है, केतु की कुपित जो केतु है वो, और आपकी और बाकी जो शारीरिक परेशानियां हैं, वो सारी परेशानियां भगवान गणेश जी की कृपा से दूर होने लगेगी और आपका जीवन है खुशहाल और बिल्कुल ही प्रफुल्लित हो जाएगा। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो इस जानकारी को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। अधिक से अधिक लोगों को शेयर करने के लिए मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि यदि हम पुण्य का काम करते हैं तो उसका पुण्य का फल हमको मिलता ही मिलता है। यदि हम शेयर करते हैं तो बहुत सारे लोगों को, जब शेयर करते हैं तो बहुत सारे लोग इस जानकारी को प्राप्त करते हैं, अमल में लाते हैं। उन सब की जो दुआएं हमको लगती हैं तो उससे हमको जो पुण्य प्राप्त होता है वो हमको इस उपाय को करेंगे तो 4 गुना होकर उसका पहल हमको प्राप्त होगा, रिजल्ट हमको प्राप्त होगा और जो परेशानियां से हम जूझ रहे हैं उस परेशानियों से हमको मुक्ति मिलेगी। ठीक है दोस्तों, इसीलिए अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। आप लोगों को सिर्फ ऐसे ही अच्छी अच्छी जानकारियां जो है, जो हमारी जीवन में काम आने वाली है, इस तरीके की जो वीडियो है उनको ही आपको देखना चाहिए, पसंद करना चाहिए, लाइक करना चाहिए और जो अश्लील अदनंगी महिलाओं के जो वीडियो चलते रहते हैं उसको इग्नोर करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इस जानकारी को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। धन्यवाद।